स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इसी दफ्तर में सुशील कुमार से स्पेशल सेल की टीम ने घंटों पूछताछ की। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दरअसल जब दिल्ली से सुशील कुमार फरार हुआ था तो उसके पास हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, लेकिन मेरठ के टोल पर वो कार सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आज तक ने सबसे पहले वो सीसीटीवी ग्रैब भी आपको दिखाया था। उसके बाद सुशील कुमार उत्तराखंड के एक बड़े आश्रम में ठहरा, दिल्ली पुलिस ने वहां पर रेड की तो वो आश्रम से फरार हो गया। उसके बाद सुशील कुमार दिल्ली आता है, दिल्ली के बाद फिर बहादुरगढ़ हरियाणा जाता है, उसके बाद चंडीगढ़, भटिंडा और मोहाली में छुपता है। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि सुशील कुमार एक पेशेवर अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे थे, अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन जांच में पता चला है कि सुशील कुमार के पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वापस सुशील कुमार दिल्ली आए। और चूंकि हरियाणा नंबर की जो कार थी वो पहले ही ट्रैक हो गई थी, इसलिए कार को छोड़कर वो स्कूटी का इस्तेमाल कर रहे थे। उस स्कूटी पर सुशील कुमार और जो आरोपी है अजय, वो दिल्ली के मुंडका इलाके में पहुंचे थे, तभी दिल्ली पुलिस ने उनको दबोच लिया। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि दरअसल जो सागर है जिसकी मौत हुई थी उसकी पिटाई का वीडियो भी बनाया गया था, और पिटाई का जो वीडियो था दरअसल वो सुशील कुमार ने ही एक प्रिंस नाम के शख्स को बनाने के लिए कहा था, ताकि जो पिटाई का वीडियो है वो पहलवानी के अपने सर्किल में वायरल किया जा सके और सुशील कुमार का वर्चस्व कायम हो सके, उससे लोग डरे और कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ न उठा सके। लेकिन जो सागर है उसकी पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई, उसके बाद सभी लोग फरार हो गए। हालांकि प्रिंस के मोबाइल से जो वीडियो है वो दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया था, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि सुशील कुमार उस वीडियो में दिख रहे हैं पिटाई करते हुए, जिसके बाद से ही जो सुशील कुमार फरार हो गए थे, लगातार उनकी तलाश की जा रही थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 1,00,000 का इनाम रख दिया था सुशील कुमार पर, जबकि उसके सहयोगी अजय पर 50,000 रुपये का इनाम दिया था। कई राज्यों में जो सुशील कुमार है और अजय, वो दिल्ली पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहे थे, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन आखिरकार दिल्ली के ही मुंडका इलाके से सुशील कुमार और अजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत में अब उनकी पेशी हो रही है। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।